वैसे तो समय समय पर धरती पे उल्कापिंड गिरते रहते हैं, लेकिन इस बार धरती पर उल्कापिंड की बारिश हो जाती है। एक एस्ट्रोनॉट जो सैटेलाइट से देख रहा था कि उसकी फैमिली की जान अब खतरे में है, फिर वो किस खूबसूरत ढंग से अपनी फैमिली की जान बचाता है, ये आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। मूवी टोटली नए कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। मूवी का नाम है मीरा। फुल डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये है मूवी की मेन करेक्टर लेरा। ये अपनी मॉम और सोतेले डैड के साथ अपने कॉलेज जा रही है। इनके साथ इसका सोतेला भाई भी है। आज लेरा की चैंपियनशिप है। लेरा जीतने के लिए खूब जी जान लगाकर दौड़ती है। लेरा का जीतना तय था, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड जिसका एक हाथ इलेक्ट्रिक है वो फायर क्रैकर जला देता है। अब लेरा को लगता था आग से डर, क्योंकि बचपन में उसके साथ एक घटना हो गई थी जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। आग देखकर वो डर जाती है और वहीं पर रुक जाती है। चैंपियनशिप कोई और ही लड़की जीत जाती है। ये है जॉन। ये लेरा का रियल डैड है। ये रूसी स्पेस स्टेशन में काम करता है। ये अपना ज्यादातर समय अपनी वॉइस असिस्टेंट मीरा के साथ बातें करता है। मीरा किसी भी वॉइस असिस्टेंट से बहुत ही ज्यादा समझदार है। जॉन का काम है धरती की तरफ कोई भी खतरा आता है तो उसके बारे में अर्थ पर सबसे पहले खबर देना और यहाँ नए नए परीक्षण करना। तभी जॉन का सीनियर आता है और उसे कहता है कि हम यहाँ पर जो काम करने के लिए आए हैं वो करो। सरकार ने हमें इतना खर्चा करके स्टेडियम में तुम्हारी बेटी का मैराथन देखने के लिए नहीं भेजा। फिर वे अपने सीनियर को रिपोर्ट करते हैं कि उल्कापिंड का एक समूह धरती के पास से गुजरेगा। उनसे हमें कितना खतरा है ये अभी स्पष्ट नहीं है। हम आपको समय समय पर रिपोर्ट देते रहेंगे। उल्कापिंड के समूह को पृथ्वी पर से भी साफ देखा जा सकता था। ये नजारा देखने में बहुत ही सुंदर दिख रहा था, लेकिन पृथ्वी पर ये खतरा भी बना हुआ था कि कब ये सुंदर दिखने वाले उल्कापिंड का समूह धरती पर आ गिरे कुछ पता नहीं है। सुबह लेरा के फोन पर उसके पापा के मैसेज आते हैं कि सावधान रहना, कुछ भी हो सकता है। उसकी मॉम डैड उसके छोटे भाई को लेकर स्कूल छोड़ने जाते हैं और उसके बाद वे अपने ऑफिस चले जाते हैं। तभी घर पर लेरा के फोन और लैपटॉप पर मैसेज आते हैं। जब उसे पता चलता है कि ये मैसेज उसके पापा ने भेजा है तो वो इग्नोर कर देती है। फिर उसके पापा का फोन आता है और कहते हैं बाहर झांक कर देखो और बचो। जब वो बाहर देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। उल्कापिंड के कारण स्पेस स्टेशन में भी नुकसान हो जाता है। तभी एक उल्कापिंड धरती पर आकर गिरता है। लेरा रूम के अंदर छिप जाती है। फिर वो बेड के नीचे से अपना फोन उठाती है और अपने रूम के बाहर भागती है। जब वो अपार्टमेंट से बाहर जाती है तो देखती है कि उसकी बिल्डिंग के सभी लोग वहां से भागकर नीचे जा रहे थे। बाहर उल्कापिंड की बारिश हो रही थी। अब लेरा भी भागकर बिल्डिंग से नीचे जाने की कोशिश करती है। लेरा सिर्फ 15 साल की थी और उसे बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसे हालातों का सामना कैसे करे। फिर वो भीड़ में जाने की बजाय बिल्डिंग से बाहर कूद जाती है। वहाँ चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। तभी उसे उसका बॉयफ्रेंड मिल जाता है और वो लेरा को लेकर वहाँ से सेफ जगह जाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर कोई सेफ जगह होती तो वे जाते। यहाँ हर तरफ तबाही का मंजर था। तभी एक बिल्डिंग के ऊपर से मलबा गिरता है और उसका बॉयफ्रेंड उसके नीचे दब जाता है। तभी लेरा को भी कोई कार ठोक देती है। उस कार को बड़े ही भले मानस चला रहे थे। फिर वे नीचे उतरकर लेरा को संभालते हैं और उसे उठाकर अपनी कार में ले आते हैं। लेरा बेहोश थी। पता उन बूढ़े पति पत्नी को भी नहीं था कि जाना कहाँ है, लेकिन वे कार को भगाते रहते हैं। तभी लेरा को होश आता है। बूढ़े पति पत्नी को खुशी होती है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है। लेरा देखती है कि बिल्डिंग की बिल्डिंग टूटकर ढेर हो रही थी। तभी उनकी कार के सामने एक बड़े से ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है और रास्ता ब्लॉक हो जाने के कारण उन्हें अपनी कार से निकलना पड़ता है। फिर लेरा देखती है कि वहाँ भी बिल्डिंगें टूटनी शुरू हो गई थी, इसलिए वो अपनी जान बचाकर एक मॉल के अंदर घुस जाती है। उन बड़ी बिल्डिंग्स के टूटने के कारण एक बड़ा सा रेत का तूफान आता है और मॉल को चकनाचूर कर देता है। स्पेस स्टेशन में जॉन को भी होश आ जाता है। वो मीरा से पूछता है क्या हुआ था। फिर मीरा उसे कैमरा फुटेज दिखाती है। अब जॉन को नहीं पता था कि कौन सा मेंबर किस हिस्से में है और क्या कर रहा है। फिर वो मीरा को कहता है कि पृथ्वी पर कहां कहां ज्यादा हानि हुई है। मीरा उसे बताती है कि भारत, चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, इजराइल, इनके बड़े हिस्से क्षतिग्रस्त हुए हैं। जॉन की बेटी लेरा भी इजराइल में थी। फिर वो चेक करता है कि पृथ्वी पर शहर के शहर नष्ट हो गए थे। तभी उसके सीनियर की कॉल आती है। जॉन बताता है कि स्पेस स्टेशन को भारी नुकसान हुआ है। वो कहता है अगर जान जाने का खतरा है तो वापिस आने की तैयारी करो। अब उनके पास 3 घंटे का समय था, यानी 3 घंटे बाद स्पेस स्टेशन पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा में प्रवेश कर जाएगा। फिर वो मीरा की हेल्प से लेरा के फोन का सिग्नल पता कर लेता है और अपनी बेटी को होश में लाता है। लेरा का फोन टूट चुका था और उसमें आवाज भी साफ नहीं आ रही थी। फिर वो पास में ही पड़े एक खिलौने से कनेक्ट करता है। वो एक टेडी बियर था जिसकी आंखों में कैमरे भी लगे हुए थे। इस तरह के खिलौने अक्सर बच्चों की देखभाल के लिए बनाए जाते हैं। फिर वो पूछती है माँ कैसी है। जॉन कहता है तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। फिर वो अपने छोटे
छोटे भाई के बारे में पूछती है, लेकिन जॉन को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेरा बिल्डिंग के मलबे में फंसी थी। फिर जॉन बचाव कर्मियों से कनेक्ट करके अपनी बेटी को बाहर निकलवाता है। फिर एक बचाव कर्मी उसे कहता है कि तुम सीधा सीधा जाओ, बिल्डिंग से दूर रहना खतरा अभी भी बना हुआ है। फिर जॉन अपनी वाइफ के पास कॉल करता है और उसे बताता है कि लेरा और मैं बिल्कुल ठीक है। लेरा पूछती है कि मेरा छोटा भाई कहाँ है। तभी वहाँ उसका स्टेप डैड आता है और बताता है कि बचाव कर्मियों ने स्कूल के सभी बच्चों को निकाल लिया है, लेकिन उनमें हमारा बेटा नहीं था। इसका मतलब वो अभी भी उसी बिल्डिंग में है। बिल्डिंग लेरा से कुछ ही दूरी पर थी। जॉन चेक करता है कि उस बिल्डिंग की हालत काफी खस्ता थी। जॉन लेरा को वहाँ जाने के लिए कहता है, लेकिन इतने में बैटरी डाउन हो जाने के कारण सिस्टम बंद हो जाता है। फिर मीरा उसे बताती है कि बोर्ड इंजीनियर स्टेशन में अभी भी बैटरी फुल चार्ज है। फिर वो चेक करता है कि उल्का पिंड के कारण उस स्टेशन पर जाने का रास्ता टूट चुका है। उधर लेरा उस बिल्डिंग की तरफ चली जा रही थी। उस एरिया में कोई भी इंसान नहीं था। वो चलते चलते उस बिल्डिंग के नीचे पहुंच जाती है। फिर वो बिल्डिंग के अंदर जाती है और अपने भाई को आवाज देती है। उधर जॉन स्पेस सूट पहनकर तैयार हो जाता है और इलेक्ट्रिक वायर लेकर बोर्ड इंजीनियर स्टेशन की तरफ जाने लगता है। वो जगह उससे 18 मीटर दूर थी, लेकिन वो हिम्मत करके अपने आप को उस तरफ धकेलता है। उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, लेकिन फिर भी वो सेफली बोर्ड इंजीनियर स्टेशन तक पहुंच जाता है। उधर मीरा भी अपने भाई की आवाज सुनकर बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाती है। फाइनली उसे अपना भाई मिल जाता है और वो उसको लेकर बिल्डिंग से बाहर जाती है। उधर जॉन इलेक्ट्रिक वायर को बैटरी से कनेक्ट करता है। अब ये दोनों स्टेशन सिर्फ एक वायर की हेल्प से ही एक दूसरे के साथ अटैच थे। फिर वो वापस अपने कार्यकक्ष में पहुंच जाता है। वो वापस अपनी बेटी के साथ कनेक्ट करता है, लेकिन वो टैडी अब काम नहीं कर रहा था। फिर वो चेक करता है कि उस बिल्डिंग के आसपास किन किन चीजों के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। उधर लेरा बिल्डिंग से दूर भाग रही थी, क्योंकि वो बिल्डिंग गिरने वाली थी, और देखते ही देखते वो बिल्डिंग गिर ही जाती है। लेरा को समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाना है। फिर वो बिल्डिंग के मलबे से बचने के लिए एक शॉप के अंदर घुस जाती है। फिर थोड़ा समय वहां पर बिताने के बाद वो वापस बाहर आती है। बाहर चारों तरफ धूल थी और लेरा को एरिया भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी लेरा का छोटा भाई कहता है कि शायद उस गाड़ी का हॉर्न हमारे लिए ही बज रहा है। फिर जब वे दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं, तो उनसे कुछ ही दूरी पर एक और गाड़ी का हॉर्न बजना शुरू हो जाता है। इन गाड़ियों को स्पेस स्टेशन से जॉन कंट्रोल कर रहा था। फिर जॉन उन्हें ट्रैफिक सिग्नल की हेल्प से रास्ता बताने की कोशिश करता है। लेरा सीसीटीवी में देखकर समझ जाती है कि उसके पापा उसे देख रहे हैं। जॉन हर उस चीज से उनकी हेल्प करता है जिससे वो कनेक्ट कर पा रहा था। अब उन्हें आगे से आगे चलने के लिए सिग्नल मिलते जा रहे थे। दोस्तों, यही तो एक पिता की पहचान है कि वे अपने बच्चों के साथ ना होकर भी हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। अब वे उस जगह पहुंच गए थे जहां मिलिट्री वाले लोगों की हेल्प कर रहे थे। तभी वहां पर एक जोर का धमाका होता है और एक हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है। मीरा जॉन को एक सिग्नल देकर बताती है कि वहां नदी में एक बड़ा सा जहाज है जो कुछ ही देर में विस्फोट होने वाला है। उधर लेरा अपने भाई को लेकर हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाती है और फौजी से अपने भाई को ले जाने के लिए जिद करती है। फौजी कहता है हेलीकॉप्टर पहले ही ओवरवेट हो चुका है। तभी अंदर से उसका बॉयफ्रेंड निकल कर बाहर आता है और कहता है मेरी जगह इस बच्चे को ले जाओ। उधर जॉन अपने सीनियर को बताता है कि शहर के बीचों बीच एक जहाज फटने वाला है और अगर वो फटा तो आधा शहर राख हो जाएगा, लेकिन वो कहता है कि हमारे बचाव कर्मी और जगह पर लगे हुए हैं, हमें वहां पर पहुंचने में देर हो जाएगी। फिर जॉन अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड के फोन पर कॉल करता है और उसे कहता है कि मेरी बेटी से बात कराओ। फिर वो लेरा को कहता है कि तुम्हें अभी की अभी यहां से निकलने की जरूरत है, क्योंकि एक जहाज विस्फोट होने वाला है। अगर ये विस्फोट हुआ तो आधा शहर उड़ जाएगा। लेरा कहती है हमें सभी लोगों को इस बात की जानकारी देनी होगी। जॉन कहता है मैंने सारी बातों का हिसाब लगा लिया है, समय बहुत ही कम है। लेरा का बॉयफ्रेंड कहता है कि जहाज में आग बुझाने की व्यवस्था होती है और मैंने इसकी पढ़ाई की है। लेरा पूछती है आप उस जहाज में कनेक्ट करके आग क्यों नहीं बुझा देते हैं। जॉन कहता है वो जहाज बहुत पुराना है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं कनेक्ट कर पाऊँ। फिर वो खुद उस जहाज में जाने की जिद करती है, लेकिन जॉन उसे वहां से निकलने के लिए कहता है। लेरा गुस्सा हो जाती है और फोन को पानी में फेंक देती है। फिर वे एक नाव लेकर जहाज की तरफ बढ़ते हैं। कुछ ही देर में वे जहाज के ऊपर चढ़ जाते हैं। लेरा अपने बॉयफ्रेंड के पीछे पीछे जाती है, क्योंकि उसको जहाज में जाने के सारे रास्ते मालूम थे, उसने इस टॉपिक पर पढ़ाई कर रखी थी। फिर वे जहाज के अंदर जाते हैं और उस एरिया में पहुंच जाते हैं जहां पर आग लगी थी। आग को देखकर लेरा घबरा जाती है, क्योंकि उसे फायर फोबिया था। फिर वो अपने पापा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो टैडी तो खराब हो चुका था। फिर रॉकी उसे ठीक करता है और खिलौने के ठीक होते ही जॉन के पास भी सिग्नल चला जाता है। टॉय के कनेक्ट होते ही लेरा जॉन से माफी मांगती है। फिर जॉन उन्हें फायर कंट्रोल स्टेशन तक जाने का रास्ता बताता है। फिर वे फायर कंट्रोल स्टेशन पहुंच जाते हैं। जब रॉकी उसे ऑन करता है तो कंट्रोल पैनल में स्पार्किंग हो जाती है। जॉन कहता है अब तुम लोगों को ये मैनुअल ही करना पड़ेगा। फिर रॉकी गलती से वहां का गेट खोल देता है जहां आग लगी थी और आग में जल जाता है। लेरा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। फिर जॉन उसे कहता है कि घबराओ मत,
दोस्त, मेरे पास समय बहुत कम है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। फिर जॉन रॉकी के हाथ को कंट्रोल कर लेता है और उससे अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे हौसला देता है। अब लेरा शांत हो जाती है और ये कहकर रोने लगती है कि मुझे आपकी बहुत याद आती है। फिर जॉन उसे कहता है कि हमारे पास समय कम है, तुम सामने पड़ा बॉक्स खोलो और उसमें से फायरमैन्स आउटफिट निकाल कर पहनो। जॉन का स्पेस स्टेशन भी अब पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा के अंदर प्रवेश कर चुका था और तेजी से धरती की तरफ जाने लगा था। उधर लेरा सूट पहन लेती है। फिर जॉन उसे अंदर जाकर वाल घुमाने के लिए कहता है। अब जॉन के स्पेस स्टेशन में तेज गति के कारण आग लग जाती है और उसका अपनी बेटी से संपर्क टूट जाता है। लेरी अंदर जाकर वाल घुमा देती है। फिर जहाज में हर तरफ शावर ऑन हो जाता है और आग बुझने लगती है। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड को लेकर जहाज से बाहर आती है। बाहर बचाव दल उन्हें रेस्क्यू कर लेती है। तभी लेरा की नजर आसमान से गिरते हुए स्पेस स्टेशन की तरफ पड़ती है। फाइनली जॉन ने अपनी जान देकर अपनी बेटी और शहर वालों की जान बचा ली थी। हालांकि उसके पास 3 घंटे का समय था वहां से सेफली पृथ्वी पर वापस आने का, लेकिन उसने अपनी जान की परवाह किए बिना न कि सिर्फ अपने बच्चों की जान बचाई बल्कि पूरे शहर की जान बचाई। फिर लेरा अपनी माँ के पास जाती है और उन्हें बताती है कि पापा नहीं रहे। फिर वो पहली बार अपने स्टेप डैड के गले लगती है और इस दिन के लिए वो कब से इंतजार कर रहा था कि लेरा उसे आकर पापा कहे और उसके गले लग जाए। वहाँ लेरा को वो बूढ़े अंकल आंटी भी दिख जाते हैं जिन्होंने लेरा की जान बचाई थी। और फाइनली ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वाकई में ये मूवी देखकर मजा आया है तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ये मेरी शुरुआत है और मुझे बहुत आगे तक जाना है जो कि बिना आप लोगों की हेल्प मुमकिन नहीं है। तो मैं मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।